हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जो हमारा कोर्स है उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे वॉच करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे वॉच करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कैसे हमारे कोर्स को एक्सेस करना है। अगर आप मोबाइल पे कोर्स को देख रहे हो तो मोबाइल पे कैसे आपको कोर्स को एक्सेस करना है। इसके बाद आपको कोर्स में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे कोर्स को लॉगिन करना है, कैसे कोर्स को वॉच करना है, वो सारी चीजें आज की सेशन में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे हमारे कोर्सेज को एक्सेस करना है। तो इसके लिए सिंपली ये देखिए आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे आ जाना है। मान लीजिए आपने हमारा कोर्स परचेज किया, परचेज करने के बाद आपको नहीं मिल रहा कि आपको लॉग इन कहाँ से करना है। कई बार होता है बाय करने के बाद लोग भूल जाते हैं कि लॉग इन कहाँ से करना है। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको हमारे कोर्स को लॉग इन कैसे करना है। जब आपने कोर्स को बाय कर लिया, बाय करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैम पोर्टल सर्विसेज पे जाना है। सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे आना है bizhelp.co.in। इसके बाद क्या करना है, जैम पोर्टल सर्विसेज पे आना है। जैम पोर्टल सर्विसेज पे आने के बाद जैम ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर क्लिक करना है आपको। जैम ट्रेनिंग कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या होगा, हमारा LMS पोर्टल ओपन हो जाएगा। LMS पोर्टल ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के बटन पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपसे आपका यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी पासवर्ड में जब आपने कोर्स परचेज किया था, परचेज करते समय आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था कहाँ से, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आया था कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डाला होगा। तो जो भी आपने यहाँ पे अपने यूजर आईडी में अपना नाम डाला था, मान लीजिए मैंने डाला bizhelp से, तो bizhelp हो गया। अगर बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, अपनी ईमेल आईडी डाली होगी, जैसे मैं मान लो srgroups डालता हूँ, srgroups@gmail.com। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने @ या डॉट का यूज किया है ना अपनी जीमेल आईडी यूजर आईडी बनाते समय, तो पोर्टल क्या है @ और डॉट को यूज नहीं करता हमारे यूजर आईडी कंसीडर करने में। ये सिक्योरिटी पर्पज से लगाया गया है क्योंकि बहुत से लोग क्या है, लोगों की ईमेल आईडी से ट्राई करते हैं लोगों की दूसरी आईडिया लॉगिन करना। तो वहाँ पे आपको @ और डॉट का यूज नहीं करना है। बाकी यूजर आईडी जो भी आपने बनाया होगा, जैसे मेरी ईमेल है srgroupsdelhi@gmail.com, तो मैं जो अपना यहाँ पे यूजर आईडी डालूंगा srgroupsdelhi, इसके बाद gmail.com, डायरेक्ट इतना लिखना है, .com मतलब जो डॉट है और @ उसका यूज नहीं करना है आपको अपनी यूजर आईडी में, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपने जो भी अपना यूजर आईडी बनाया हो bizhelp या अपने नाम से या _ जो भी आपने बनाया हो वो तो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ये ईमेल वाले केसेस में। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाते हैं हम दोबारा से बैक अपने लॉगिन पे। लॉगिन पे आने के बाद आपको सिंपली अपना लॉगिन कर लेना है अकाउंट, जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था लॉगिन कर लेंगे आप यहाँ से। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका एक कोर्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कोर्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने एक कोर्स में हमारे एनरोलमेंट ले रखा है। यहाँ पे और भी अगर आपको देखना है कि और भी हमारे अपडेट कोर्स कितने हैं, क्या क्या कोर्सेज चल रहा है, तो आप कोर्सेज पे क्लिक कर लेना। आपको यहाँ पे सारे अपकमिंग जो भी ऑनगोइंग कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपने एक कोर्स में एनरोल किया हुआ है, तो आप यहाँ पे माई अकाउंट में जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा एक कोर्स में आपने एनरोल किया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे आपको एक कोर्स एनरोलमेंट दिखा रहा है, इसके बाद आपको इस कोर्स को देखना कैसे स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवांस बिट लर्निंग जो आप जिस कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, इस पर क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट लर्निंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने पूरा लर्निंग का पेज खुल जाएगा। यहाँ भी ये सारे चैप्टर खुल जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर है, कैसे कैसे आपको कोर्सेज को देखना है स्टेप बाय स्टेप, पूरा चैप्टर वाइज हमने सेट किया हुआ है कोर्सेज को, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझे बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो सा भी चैप्टर वॉच करना है आप क्या करेंगे, उस पर उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सीधा प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे। प्ले के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये हमारी कोर्स की वीडियो प्ले हो गई। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक सभी चैप्टर्स को आप देख सकते हैं, और सेम प्रोसेस जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेम प्रोसेस आप मोबाइल पे भी इस पोर्टल पे, जो हमारा ये वाला पोर्टल है lms.bizhelp.co.in, इस पे जाके आप हमारे कोर्स को वॉच कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया कि आपको देखना कैसे, लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे एक एक करके आ जाएगा सारे कोर्सेज की डिटेल, ठीक है। बिड सर्च कैसे करनी है, बिड स्टार्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे चैप्टर वाइज लगाया हुआ है। जैसे कि अभी आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने जो हमारा नया कोर्स लॉन्च हुआ है, एडवांस बिड लर्निंग कोर्स लॉन्च हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने बिड वाले कोर्स में एनरोल किया होगा। तो इसी तरह से वन बाय वन सारे चैप्टर हमने यहाँ पे बना दिए, और इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है जैम में से, तो आपको यहाँ पे क्या है, अपडेटेड क्लास मिल जाएगी सारी।
तो चलिए ये तो आप समझ गए कि आपको कोर्स को एक्सेस कैसे करना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ इस कोर्स का बेनिफिट क्या है। इस कोर्स के बेनिफिट जैसा कि आप डायरेक्ट पोर्टल पे भी आएंगे यहाँ पे lms.bizhelp.co.in, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए कोर्स जो है प्रैक्टिकल अप्रोच, जितना भी प्रैक्टिकल होता है कोर्सेज में वो सारा प्रैक्टिकल काम करके दिखाया गया है। मतलब जो प्रैक्टिकल केसेस मेरे पास आते हैं, आए हैं प्रैक्टिकल केसेस या आते हैं, उन सभी केसेस पे प्रैक्टिकल काम करके इस कोर्स में दिखाया है। सारा प्रैक्टिकल केस बेस हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बस प्रोसेस ऊपर से बता दिया, कंप्लीट प्रैक्टिकल हुआ है। एक एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके प्रॉपर पार्टिसिपेट करके हमने एक एक वीडियो में समझाया है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, इसमें जो व्यूज का ऑप्शन है आपको अनलिमिटेड व्यू मिलते हैं। मतलब आप कितनी भी बार वीडियो देखिए, किसी भी वीडियो को कितनी भी बार देखिए, इसमें कोई आपको एक्सेस नहीं है कि आपको वन टाइम टू टाइम देखने का एक्सेस है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, इस कोर्स का जो एक्सेस है आपके पास लाइफ टाइम तक का एक्सेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट है, ये जो कोर्स है आपका सर्टिफाइड कोर्स है। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे जो आपका कोर्स है यहाँ पे 100% मार्क आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितनी वीडियो आप देखते जाएंगे उतना यहाँ पे परसेंटेज मार्क आ जाएगा कि आपने इतनी परसेंट कोर्स को वॉच कर लिया है। जैसे यहाँ पे 100% कंप्लीट मार्क आ जाएगा, उसके बाद क्या है, आपको जैम पोर्टल के थ्रू एक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट भी इशू कराया जाएगा। छोटा सा एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम कंडक्ट करने के बाद आप उसमें पास हो जाते हैं, पास होने के बाद आपको क्या है सर्टिफिकेट मिल जाता है जैम एक्सपर्ट का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट में क्या है, जब आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिन जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे 100% मार्क आएगा, उन लोगों को क्या किया जाएगा, एक बार जूम मीटिंग पे कनेक्ट करके उनके साथ लाइव चैट किया जाएगा, प्रॉपर लाइव सपोर्ट दिया जाएगा, उनके जो भी डाउट है जो भी क्वेरी है वो सॉल्व की जाएगी। बाकी इसके बाद और भी जो बेनिफिट है, आपने जो इस कोर्स में एनरोल किया उसके बाद आपको और जो बेनिफिट मिलेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। बाकी के जो और बेनिफिट्स हैं हमारे इस कोर्स के, इसमें बेनिफिट ये है आपको हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सबके PDF मॉड्यूल प्रोवाइड करवाए गए हैं। मतलब आपको वीडियोस तो दी जा रही है, उसके बाद बाद जितना भी हमने प्रैक्टिकल काम किया है उन सभी के प्रैक्टिकल PDF नोट भी दिए जा रहे हैं। जो हमने कोर्स में जिन डॉक्यूमेंट को यूज किया है वो डॉक्यूमेंट आपको भी प्रोवाइड किया गया है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। एक्सेल वर्कबुक भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है आपको। इसके बाद एक्सेल कैलकुलेटर की कैसे आपको प्राइसिंग वगैरह का कैलकुलेशन करना है, उसके लिए एक प्रॉपर एक्सेल कैलकुलेटर भी बना के दिया गया है, जो कि आप प्राइस एनालाइज वाली क्लास देखेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, लगाने होते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट के क्या है आपको फॉर्मेट दे दिए गए हैं कि आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके उन फॉर्मेट पे बिड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, जिससे कि सारे डॉक्यूमेंट आपके एक्यूरेट बनेंगे और बायर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये सारी चीजें मिल रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है सपोर्ट्स के लिए, सपोर्ट के लिए चलिए ये तो मैंने आपको बताया कि आपका जब 100% हो जाएगा उसके बाद जूम मीटिंग पे भी एक बार हम लाइव कनेक्ट होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे सपोर्ट के लिए, आपको हमेशा जो सपोर्ट चाहिए आपको मॉर्निंग 10 टू लेके इवनिंग 6 तक जो वर्किंग टाइम होती है उस समय आपको आप कुछ काम कर रहे हैं और उस समय आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या है आपको ये वाला, जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। ये जो ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ पेड लर्नर्स के लिए, आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आपकी जो भी इंक्वायरी है इस ग्रुप में आप अपनी इंक्वायरी का मैसेज डाल देंगे। इंक्वायरी का मैसेज डालने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखिए, आप जैसे कंफर्ट है अपनी इंक्वायरी पूछने के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में, या आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, जैसे भी आप अपनी प्रॉब्लम बस इस ग्रुप में डालेंगे और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट मैं आपको खुद करूंगा, क्योंकि अब आपको डायरेक्ट आंसर करना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि आप हमारे पेड लर्नर है। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट आपकी इंक्वायरी का आंसर दूंगा कि अगर आपको ये एरर आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद ये हमारा सपोर्ट नंबर है, आप हमारे सपोर्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है, तो आप डायरेक्ट पर्सनली मुझको इस वाली ईमेल पे मेल कर सकते हैं। इस मेल का भी एक्सेस मेरे पास ही रहता है प्रॉपर, और इस व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक्सेस मेरे पास ही है, और इसमें जो भी आंसरिंग मिलेगी, जो भी सपोर्ट मिलेगा प्रॉपर मैं आपको सपोर्ट दूंगा, उसमें प्रॉपर मैं आंसर दूंगा आपको उसमें, ठीक है। अब ये सारी सपोर्ट्स तो आप समझ गए कि आपको कैसे कैसे सपोर्ट मिलेगा, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सपोर्ट का भी आप समझ गए, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और ये हमारी ईमेल और मोबाइल नंबर है, इसके थ्रू आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात आती है ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है, ये डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको ओवरव्यू के बगल में है एक्सरसाइज फाइल्स, आपको क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्या है सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जितने भी डॉक्यूमेंट बिड में रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन या पार्टिसिपेशन प्रोपेशन या रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी बिड से रिलेटेड होते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
यहाँ पे एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए गए, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं एक एक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या होगा, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी एक एक करके। ये देखिए डाउनलोड हो गई हमारी फाइल, और जो डाउनलोड होगी फाइल आपकी कुछ इस तरह की होगी। ये देखिए इस तरह की ये जो फाइल है, ये प्रॉपर वो फाइल है जो कि मैंने आपको कोर्स पढ़ाते समय जो यूज़ किए, एक एक चीज़ें जो समझाई है इस कोर्स में, ये वो वाली फाइल है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। तो यहाँ से तो क्या है, आपको सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। ओवरऑल इस कोर्स में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हमने यूज़ किए या जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किए, वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स आपको दिख रहे हैं, उन सभी मॉड्यूल्स में मॉड्यूल्स वाइज एक एक डॉक्यूमेंट को यहाँ से फिल्टर करके सेट किया गया है। जैसे मान लीजिए आपको बिड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखनी है, तो बिड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में हमने कौन से डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किए, जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। मतलब मॉड्यूल्स वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज हुए, वो भी यहाँ पे आपको फिल्टर वाइज हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। तो ये था पूरा ओवरव्यू कि कैसे आपको हमारे कोर्स को एक्सेस करना है, कैसे आपको हमारे कोर्सेज को वॉच करना है कंप्लीट डिटेल में। तो इस तरह से आप पूरे कोर्सेज को एक्सेस कीजिए और पूरे कोर्सेज को डिटेल में वॉच कीजिए, एक एक वीडियो को डिटेल में देखिए। कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, ये जो मैंने आपको सपोर्टिंग डिटेल्स दी है इनमें आप इंक्वायरी कीजिए, आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी।